किसानों की समस्याओं के समाधान के साथ किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने और किसानों की गन्ना फसल का समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोक दल किसान संदेश अभियान चला रही है। 31 जनवरी 2023 के किसान संदेश अभियान को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश देने किसान संदेश अभियान के मंडल प्रभारी रविन्द्र नरवार ने रालौद के जिला आगरा संगठन के साथ बैठक कर सामूहिक रूप से किसानों के पत्रों को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार को किसान विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार पर आम आदमी की समस्याओं का समाधान नहीं है। जनता को मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर सत्ता पर काबिज रहना चाहती है, लेकिन झूठ ज्यादा समय तक कायम नहीं रहता। आने वाले समय में देश की जनता भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर फेंकने का काम करेगी। मैं महेश कुमार जाटव, जिला अध्यक्ष आगरा, राष्ट्रीय लोकदल। ये हमारे जयंत चौधरी जी के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी गूंगी बहरी सरकार को संदेश पत्र लिखे जा रहे हैं। इन संदेश पत्रों का अभियान चलाया जा रहा है। हमारे प्रभारी जी, मंडल प्रभारी रविंद्र नरवार जी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको दिशा निर्देश दिए। 31 तारीख को आगरा के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश पत्र अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग होंगे और इस गूंगी बहरी सरकार को कानों तक या किसानों की आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि किसान बहुत परेशान है। किसान, गरीब, मजदूर बहुत ही परेशान है और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। इसे बचाने के लिए हम पूरा आंदोलन करेंगे और संघर्ष सड़क पर होगा। इन्होंने किसान को किसी लायक नहीं छोड़ा, नौजवान को बर्बाद कर दिया, गरीब मजदूरों को बर्बाद कर दिया। और माननीय जयंत चौधरी जी हमेशा गरीब, मजदूर, किसानों की आवाज़ बनते हैं। और आपने देखा होगा छुट्टा जानवरों से फसलें बर्बाद हो रही हैं। गेहूं इतना महंगा इसलिए है क्योंकि जो मोदी जी, योगी जी के जो छुट्टा नंदी बाबा और गौ माता हैं, ये फसलों को बर्बाद कर देती हैं। अभी अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसकी 15 बीघा पक्के जमीन उसने अपने ट्रैक्टर से जोती और जोतते समय उसका पूरा परिवार मेड़ पर खड़ा होकर के रो रहा था। इस तरीके से पूरी फसल नष्ट कर दी गई थी। तो इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और 2024 में भारत से भी चले जाएंगे। जो भारत केंद्र सरकार है ये 2024 में निश्चित जाएगी और उसके बाद किसानों, मजदूरों, गरीबों के अच्छे दिन आएंगे। मेरा नाम रविंद्र नरवार है, मैं मथुरा से आता हूँ। पूर्व में युवा का पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ। मेन बॉडी में पश्चिम उत्तर प्रदेश का महासचिव रहा हूँ। अभी चौधरी साहब ने मुझे किसान अभियान की जिम्मेवारी पूरे मंडल की दी है, इसका प्रभारी बनाया है और उसी का संदेश लेकर मैं यहाँ अपने लोगों के बीच में हूँ, आपके समक्ष हूँ। हम लोगों का उद्देश्य है कि किसान के लिए जिस तरीके से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये लोग जो बनावटी बातें 70 करोड़ लोग कर रहे हैं, इन्होंने किसान के लिए धरातल पर कुछ किया नहीं, न इन लोगों की करने की कोई मंशा है। आज किसान परेशान है, आवारा पशुओं से परेशान है, अपने फसल के मूल्य को लेकर परेशान है, उसको उसकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिला, ये पीड़ा है। और हम लोग किसान का साथ अंतिम सांस तक देते रहेंगे, उनके लिए लड़ते रहेंगे। हमारा दल हमेशा किसान, व्यापारी, मजदूर, मजलूमों और पिछड़ों के लिए लड़ता रहा है, आज भी लड़ रहे हैं। लोग आज नहीं समझ रहे हैं, कल समझेंगे, ये भरोसा है, क्योंकि हमारी मेहनत ईमानदारी के साथ हो रही है। हम लोग बड़ी ईमानदारी के साथ लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। मोदी जी क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, आप इस माइक को जरा सा हटा के अपने दिल पर हाथ रख के खुद ही जवाब दे देंगे कि आज आम इंसान, आप किसान तो जो त्रस्त है वो है, एक आम इंसान की जेब पर कितना बड़ा डाका पड़ा है, आम इंसान के व्यापार पर कितना बड़ा डाका पड़ा है। एक चंद व्यापारियों को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने मध्यस्थ व्यापारी को खत्म कर दिया है, एक मध्यम वर्गीय आदमी को खत्म करने की कगार पे मोदी जी हैं, सारे सरकारी संस्थानों को मोदी जी बेचने पर तुले हुए हैं और लास्ट में इस देश का नंबर मोदी जी लेने वाले हैं। एक आम किसान जो 1 लाख रुपए का, 50,000 रुपए का लोन अपने खेत पर लेता है, उसके यहाँ कुर्की का संबंध पहुँच जाता है अगर उसका लोन चुकाने में 1 महीना की भी देरी हो जाए, और अपने अपने व्यापारी मित्रों का आप 1,000 करोड़ रुपया
किस तरीके से माफ कर रहे हैं, ये सब लोग आप लोग बेहतर जानते हैं, मैं कितना डीप आपको नॉलेज। देखिए ये देश और इस देश के अंदर ये लोकतंत्र, ये भाईचारा और प्रेम से बना हुआ लोकतंत्र है, ये भाईचारा और प्रेम से बना हुआ देश है। आप इसमें विघटन बहुत समय तक नहीं कर सकते, अंग्रेज नहीं कर पाए, तो आप कैसे कर पाएंगे, कैसे संभव है? इनके प्रेम को आज हिंदू का और मुसलमान का घर की दीवार से दीवार भिड़ी हुई है और आपने उन दोनों के मन में दरार डाल दी। अभी आप मुझको बताइए कि अगर कोई बात आती है, कोई आपदा पड़ती है किसी पे, तो सबसे पहला सबसे अच्छा साथी पड़ोसी होता है कि नहीं होता? और आपने उनके अंदर जहर घोल दिया। अगर आपके अंदर ताकत है तो इन लोगों को बिल्कुल अलग करके दिखाइए ना, इन लोगों को एक अलग आवाज दीजिए, अलग दुनिया बना दीजिए इनकी। आप हिंदुओं को अलग कर दीजिए, मुसलमानों को अलग कर दीजिए, वो आप कर नहीं सकते हैं, कर आप पा नहीं रहे। उनकी दीवारों को अलग आप कर नहीं सकते, उनके घरों को आप अलग कर नहीं सकते, उनके व्यापारों को आप अलग कर नहीं सकते। क्या कर रहे हैं? तो फिर आप केवल उनमें जहर घोल के उनमें विघटन डाल रहे हैं, केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ कर नहीं रहे। और ये वोट की राजनीति, ये झूठी राजनीति, ये गंदी राजनीति बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। हम इस सच को उजागर करेंगे, गांव गांव घर घर जाकर लोगों के का ब्रेन वॉश करेंगे और लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि लोग स्वयं समझ रहे हैं, लोगों की जेब उनको समझा रही है।